हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो है वो नेकर और टी शर्ट में केशव का श्रृंगार करके दिखाने वाली हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था और एक सब्सक्राइबर है मेरी, वो तो बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि नेकर और टी शर्ट में आप जो है वो श्रृंगार दिखाइए। तो वैसे तो मैं नेकर और टी शर्ट पहनाती हूँ तो केशव का श्रृंगार नहीं करती हूँ, बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही कुछ भी नहीं करती हूँ, उनको ऐसे ही बिठाती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर उन्होंने बोला कि श्रृंगार करके दिखाइए, तो आज मैं आपको जो है वो केशव का नेकर और टी शर्ट में श्रृंगार करके दिखाती हूँ। तो देखिए, केशव को जो है मैंने स्नान करवा दिया है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट ही इनको तैयार करके दिखाती हूँ। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन मैं जो है वो रेड कलर के कपड़े बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये रेड कलर का टी शर्ट है इनका, तो आज मैं इनको ये रेड कलर की टी शर्ट और ये इनका एक डेनिम का नेकर है, तो मैं इनको ये नेकर बनाऊंगी। तो चलिए केशव को तैयार करते हैं। लड्डू और माधव को मैंने पहले से ही तैयार कर दिया है, पहले मैं लड्डू और माधव को तैयार करती हूँ, उसके बाद ही मैं जो है वो केशव को तैयार करती हूँ, क्योंकि केशव को रेडी करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए, बहुत ही आसानी से जो है वो टी शर्ट पहनाई जा सकती है। नेकर पहन लिया है, टी शर्ट भी पहन लिए, आप लोगों को दिख रहा है। ये देखिए, नेकर और टी शर्ट पहन चुके हैं केशव, तो अब मैं जो है आपको इन्हें तैयार करके दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैं इनको बिल्कुल भी सेट वगैरह नहीं पहनाती हूँ, गले में एक हल्की सी माला डाल देती हूँ अगर बहुत मेरा मन करता है तो, अदरवाइज तो वो भी नहीं। बट आज आप लोगों ने बोला श्रृंगार करके दिखाइए, तो मैं आपको श्रृंगार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला जो सेट है ये मैं इनको पहनाऊंगी। किसी दिन मैं आपको जो है वो इनका सिल्वर ज्वेलरी में नेकर टी शर्ट में श्रृंगार करके दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार मैंने किया था पर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए आप, मैं तो अक्सर इनको ऐसे ही बिठा देती हूँ, ये नेकर टी शर्ट पहनाया और इनके बाल लगाए और बस, मुझे तो ये ऐसे ही बहुत प्यारे से लगते हैं। पूरा नेकर टी शर्ट में तैयार तो मैं इनको करती ही नहीं हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की पग बांधने वाली हूँ। पग जो है वो इनके बांध दी है, अब मैं इनको इयररिंग्स पहनाऊंगी। तो मैं इनको ये वाले जो है वो ब्लैक इयररिंग्स सोच रही हूँ पहनाने की, तो ये पहनाती हूँ। देखिए, इयररिंग्स पहना दी मैंने। इस तरीके से पग में जो है वो इयररिंग्स फंसाने में बहुत आसानी होती है, आप आराम से जो है वो इयररिंग्स हैंग कर सकते हैं, और चिपकाने में बार बार वो गिरते रहते हैं, इसलिए मैं तो कभी आज तक मैंने चिपकाई ही नहीं है, मैं इसी तरीके से इनको इयररिंग्स पहनाती हूँ। कि पग को मैं इससे डेकोरेट करके देखती हूँ। देखिए,
बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो नेक पीस है ये इनकी पग पे बहुत ही खूबसूरत लगता है लगने के बाद। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इनके साइड में जो है वो फ्लावर लगा देती हूँ। सिर्फ दो ही लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही फटाफट से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनके ये इत्र लगा दूंगी जिससे मेरा सोना जो है पूरे दिन खुशबू खुशबू करता रहे। सोना ये देखिए यहाँ पर जो है वो कलंगी लग गई है। अभी देखूंगी बिठाल कर इनको जगह पर, अगर यहाँ अच्छी नहीं लगेगी तो यहाँ लगा दूंगी। मैं चेंज करती रहती हूँ। ये है इनकी बांसुरी, तो ये हम इधर देंगे बांसुरी तो कलंगी उधर ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं इनको जगह पर बिठाने के बाद इनकी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए केशव को जो है वो मैंने इनकी जगह पर बिठाल दिया है। अब मैं इनके ये कलंगी जो है वो इनकी सेट कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस तरफ को इनकी कलंगी लगाती हूँ क्योंकि उधर जो है वो मोर पंख आ जाएगा बांसुरी का, तो ये जहाँ ज्यादा अच्छी लगेगी। ये इनकी बांसुरी है, ये इन्हें बांसुरी दे देते हैं। सोना बांसुरी बजाएगा। ये है इनका फोन जो कि नकली फोन है। इसमें जो है वो आप आवाज सुन सकते हैं, इसमें सौंफ भरी हुई है। तो मैं ये इनके पास रख देती हूँ जब तक इन्हें फोन नहीं दिलाएंगे। अभी ये छोटे बच्चे हैं ना तो इन्हें फोन नहीं दिलाएंगे, तो जब ये जो है थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें फोन दिला देंगे हम। तब तक के लिए ये ना इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब मैं इनके लगा दूंगी तिलक। तो अब जो है वो इनका श्रृंगार बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन्हें शीशा दिखा देंगे। सोना देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो। तो देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इनको जो है वो शीशा दिखा दिया है, तो आप भी देखिए शीशे में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं माधव और लड्डू को भी शीशा दिखा दूंगी। सोना देखो कितना प्यारे लग रहे हैं मेरे सोने बाबू। तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए केशव, देखिए कुछ इस तरीके से हमारे केशव जो है वो नेकर और टी शर्ट में लग रहे हैं। ये हैं लड्डू और ये हैं माधव। तो तीनों बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आई होप कि आप सब लोगों को जो है वो केशव का श्रृंगार नेकर और टी शर्ट में अच्छा लगा होगा। और जो मेरी सब्सक्राइबर इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, आई होप कि उन्हें पसंद आया होगा केशव का श्रृंगार। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को जिससे वो भी हमारे केशव के जो है वो दर्शन कर पाएँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
हूँ।